बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाजरीन आ गई हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं और मेरी वीडियो देखते रहें। तो अच्छा जी, मैंने ना सोचा कि मैं हर बात आपसे शेयर करती हूँ, ये आज की जो बात है वो क्यों ना करूँ। तो आज ही मैंने कुछ दिन पहले जो है ना, मैंने आपके साथ शेयर करना था, लेकिन मुझे ना टाइम नहीं था मिल रहा। तो मेरे घर में जो है ना इंटरव्यू वाले आ गए, तो मैंने कहा है चले मैं क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली से भी मशवरा लूं, उनसे भी बात करूं कि मेरे घर में मैं अभी इतनी मशहूर हो गई हूं, हुई तो नहीं, लेकिन आ गए थे वो। उन्होंने बोला कि हमने आपका इंटरव्यू करना है। तो मैंने कहा है जी चलें जी, ठीक है, मैं सबसे पहले जो है ना अपनी यूट्यूब फैमिली से मशवरा करती हूँ, अपने घर वालों से करती हूँ, फिर इंशाल्लाह। मैंने उनको फोन करके बोला कि मैंने कहा अगर मैंने आपको टाइम दूंगी, अगर मैंने आपको बोला तो फिर आपने मेरे घर आना है मेरा इंटरव्यू करने के लिए। तो जब मैंने अपने घर वालों से बात की और मियां साहब से की, तो मियां साहब कहते हैं कि छोड़ो अभी नहीं, हमने करवाना, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है और दूसरे नंबर पर हमारे तो इतने अभी सब्सक्राइबर भी नहीं है और इतने व्यूज भी अच्छे नहीं आते। क्योंकि आपको सबको भी लगता होगा कि मेरे काफी अच्छे व्यूज आते हैं, लेकिन इतने अच्छे व्यूज नहीं आते। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर किया करें। और आजकल मैं वाकई में ना इस चैनल को लेके ना बहुत परेशान भी हूं, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, इतना मैंने काम किया है और व्यूज जो है ना वो अच्छे नहीं आ रहे। तो आप जरूर देखा करें और क्या कहते हैं ना कि लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। अच्छा जी, आपने मुझे अच्छा सा कमेंट करके बताना है कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। हर बात मैं आपसे शेयर करती हूँ, हर बात मैं आपसे मशवरा करती हूँ, पूछती हूँ। आपने मुझे बताना है कि वाकई में मुझे इंटरव्यू देना चाहिए या कि नहीं देना चाहिए। तो इसी तरह जी, घर में इंटरव्यू वाले आ गए और मैंने अभी तो नहीं उनसे बोला कि मैं इंटरव्यू दूंगी, लेकिन अगर आप कहेंगे और मेरे घर वाले मशवरा देंगे, घर वाले मान जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह इंटरव्यू भी कर लेंगे। अभी वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं एक शादी में मसरूफ हूँ। ये मेहंदी देख के आपको मेरी पता चल ही गया होगा कि ये देखे मैंने किस तरह की आज मेहंदी लगवाई। अच्छा, बच्चे मुझे कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा मेहंदी लगवाऊ मामा। मैंने कहा नहीं जी, इतनी ज्यादा भी नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि बाद में जो है ना हाथ बहुत ब्लैक हो जाते हैं, वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो प्याना जी, अगर जो है ना आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा, मैं जा रही हूँ शादी पे, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ व्लॉग शेयर करूंगी। अगर आपको अच्छे लगे तो आपने जरूर लाइक और शेयर करना है। उधर जाके भी कोशिश करूंगी इंशाल्लाह, जितना हो सका ना जो है ना वीडियो इंशाल्लाह कैप्चर करूंगी, तो आपने जरूर देखनी है। तो गांव का माहौल भी आपको दिखाऊंगी और उधर जाके अच्छे अच्छे जो है ना क्या कहते हैं ना उसको, गाँव के जो माहौल होता है वो भी आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। वैसे तो मुझे काफी टाइम हो गया है, अब अम्मी भी नहीं है, तो अब पहले हम जाते थे बच्चों को लेके, मैं चली जाती थी, अब तो अम्मी नहीं है, भाई हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, भाभियां बहुत अच्छी हैं, वो इतना इंतजार करती हैं, मुझे कहती हैं कि आया करो, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं घर में, इतने काम होते हैं, छोड़ के नहीं जा सकती, तो फिर कभी कभार जाती हूँ। इसी तरह जब कभी कोई शादी हो या कोई भी इस तरह कोई काम हो ना, तो फिर मैं जाती हूँ। वैसे भी मेरे मियाँ साहब को जो है ना शुरू से ये जो है ना उधर का जाना आना रहना सहना, वो कहते हैं क्या करना है, जब अपना घर वाला बंदा हो जाए ना फिर अपने घर में रहना चाहिए। बाकी उनकी भी बात ठीक है, लोग आजकल इतना इतनी महंगाई में ना अपना गुजारा बड़ी मुश्किलों से करते हैं, तो बंदा जाके किसी को क्यों तंग करे। इस बात से मेरे मियाँ को जो है ना बहुत नफरत है, वो कहते हैं कि नहीं, इतना नहीं जाना चाहिए किसी के घर, बच्चों के साथ लेके जाना है, ये करना है वो करना है, आगे से बच्चे मांगते हैं, ये करते हैं, कहते हैं खाने के लिए ये होता है, चार पाइये, ये सारा कुछ देखना पड़ता है। तो बहन भाई भी वो ही होता है जो कि अपने बहन भाइयों को देखे और समझे, सबसे अच्छी बात ये होती है। तो आप भी जो है ना, आपने भी मुझे मशवरा देना है कि इसमें से मैंने कोई अच्छी बात की है या कि नहीं है की। तो प्यारा जी, मैं यकीन करें आपके लिए ढेर सारी दुआएं करती हूँ, बहुत ज्यादा दुआएं करती हूँ, और फिर भी मैं ना कुछ परेशान रहती हूँ इस चैनल को लेके, बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत भी की है और इतनी लोगों की बातें सुनी हैं, मैंने क्या कुछ नहीं सहा, तो ये मैं आपको बता नहीं सकती।
अभी तक भी इसके जो मुझे कहते हैं ना, क्या वो पता नहीं, बड़ी बड़ी मैंने बातें सुनी है। चले अल्लाह हैर करे, तो जब मैं बातें सुन लेती हूँ ना, तो बाद में सोचती हूँ कि मेरी इतनी अच्छी YouTube फैमिली है, तो उन्होंने कभी नहीं मेरे से बुरी बात कोई की, तो फिर मैं इन लोगों की बातों का क्यों दिल पे असर लेती हूँ, मैंने नहीं लेना। जब मैं आपकी तरफ देखती हूँ ना, तो फिर मैं सारी बातें भूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ इतने अच्छे मेरी यूट्यूब फैमिली है, इतनी अच्छी मेरे से वो कमेंट करते हैं मुझे, इतनी अच्छी बातें करते हैं, हर बात मेरी जो है उस पे मुझे हौसला अफजाई दे करते हैं, और बाद में जो है कहते हैं कि जी आप इतने अच्छे काम करती हो, घर के काम भी करती हूँ सारे मैं, तो जी बच्चों को भी देखती हूँ, आपके कमेंट भी पढ़ती रहती हूँ और आपकी बातें भी सुनती रहती हूँ, तो बहुत अच्छी भी लगती हैं। तो प्याना जी आप भी इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और छोटे छोटे मशवरे देते रहें, छोटी छट्टी होती है ना कि सारी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप भी किया करें कि मैंने जो आज आपके साथ बात शेयर की है इसका भी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो प्याना जी आज की वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं फिर इसी तरह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें अपनी फैमिली के साथ।